नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है आज के फटाफट खबरों का। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के पीओके जनमत संग्रह प्रस्ताव की आलोचना, कहा वे कश्मीर के बारे में हमेशा गलत बोलते हैं। मन की बात में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, अपने लिए तो सभी जीते हैं लेकिन परोपकार के लिए जीने वाले हमेशा याद किए जाते हैं। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कहा अगर समझते देश के मन की बात तो ऐसे ना होते टीकाकरण के हालात। मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पर्व त्योहार मनाते समय याद रखें कि कोरोना अभी गया नहीं है, देश के विकास के लिए सभी एकजुट रहें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तैनात बीएसएफ के जवान ने खुद को मारी गोली, अस्पताल में गई जान। कर्नाटक में बाढ़ से 9 लोगों की गई जान, 3 है लापता, रेस्क्यू कार्य है जारी। बीते 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 39,742 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 535 लोगों की गई जान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दूसरे दिन गोवा के मंगेश टेंपल में की पूजा अर्चना, यहां पार्टी कार्यकर्ताओं को भी करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के 10 जिलों में बाढ़ का कहर है जारी, एनडीआरएफ की 34 टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका सहित कई राज्यों में बारिश के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में 4 घंटे तक रामनगरी के विकास कार्यों का जायजा लेंगे। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश में विधायक खरीदने के आरोप में झारखंड पुलिस बिहार के सिवान पहुंची, जहां रांची की पुलिस को देखकर गांव वाले हैं हैरान, क्योंकि झारखंड पुलिस जिसे विधायक खरीदने के आरोप में यहां पर लेकर आया था, उसके घर अनाज खरीदने का पैसा नहीं है। अब वकीलों के पैनल पर एलजी ने खारिज किया दिल्ली की केजरीवाल सरकार के फैसले को। सिद्धू के अध्यक्ष बनने से चंडीगढ़ कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ी, निगम चुनाव में स्टार प्रचारक बनेंगे सिद्धू। हरियाणा में 16 अगस्त से 10वीं और 12वीं की होगी परीक्षा, 30 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों के परिवारों ने नहीं मानी डीजीपी की अपील, धरना देने पहुंचे और मांगे नहीं मानने तक करेंगे संघर्ष। टाटा मोटर्स में नौकरी की लालच में ठगे गए धनबाद के 14 लोग, जमशेदपुर के व्यास यादव पर शिकंजा कसा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देर रात 2 कैफे पर पुलिस की दबिश, युवक और युवतियां मिली नशे की हालत में। आज मध्य प्रदेश के केंद्रों पर हो रही है जेईई मेंस परीक्षा, लेकिन बारिश के कारण उम्मीदवार हुए परेशान। हिमाचल पुलिस के कांस्टेबल की 4 घंटे में बदली किस्मत और बन गए करोड़पति, जहां वे इंडिया श्रीलंका तीसरे एक दिवसीय मैच के दौरान फैंटेसी लीग में 1,15,00,000 रुपए इनाम जीता। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर, मुठभेड़ है जारी। दिल्ली रवाना होने से पहले ममता बनर्जी ने बुलाई मंत्रिमंडल की विशेष बैठक, मंत्रियों संघ की महत्वपूर्ण मंत्रणा। उड़ीसा के कुख्यात गैंगस्टर हैदर मुठभेड़ में हुआ ढेर, पुलिस से बंदूक छीनकर भाग रहा था। मुंबई में बहुमंजिला इमारत की सर्विस लिफ्ट गिरी, 4 लोगों की गई जान और कई हैं घायल। गुजरात की अलीसा पटेल को राज्य की पहली ट्रांसजेंडर महिला के रूप में मिला पहचान पत्र। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थकों ने बनाया किसान मोर्चा, गहलोत सरकार की खोलेंगे पोल। लंबी उम्र जीना चाहते हैं तो धूम्रपान को करें तौबा, एक स्टडी में पता चला है कि स्मोकिंग करने वालों की तुलना में स्मोकिंग नहीं करने वाले ज्यादा जीते हैं। SBI में अप्रेंटिस के 6100 पदों पर आवेदन की 26 जुलाई को है लास्ट डेट, उम्मीदवार sbi.co.in पर कर सकते हैं अप्लाई। ऑस्ट्रेलियाई टीम को T20 वर्ल्ड कप से पहले लगा बड़ा झटका, कप्तान ओरेन फिंच हुए 2 सिरे से बाहर। सलमान खान ने हाथ जोड़कर अथिया सेट्टी से मांगी माफी, पापा सुनील सेट्टी ने किया रिएक्ट। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।